बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक पिशोरी लाइफ स्टाइल वालों, किस रंग हो तुसे सब जी। ते तुसे पे देख दो, ये डिफरेंट किस्म के जो है तो हमने गोश्त बनाए हैं, सूखे धनिए वाला। ईद के पहले दिन ऐसे ही होता है। ये जो है हमारा कुटे हुए मसाले वाला है, ठीक है, और इसके साथ जो है हल्दी वाला गोश्त बनाया है। इसमें सिर्फ हल्दी है। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जी गला जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अच्छा, तो ईद की पहली रूटीन मैंने पहले दिन की मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं बस छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। ये जो है स्टेक टाइप ही होते हैं, लेकिन स्टेक नहीं है, बस गोश्त के लंबा लंबा से उसको काट लेती हूँ और उसको जो है मैरिनेट कर लेती हूँ 3 से 4 घंटे तक सोया सॉस, चिली सॉस और लहसुन अदरक के पेस्ट में। जी तो ये वही लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैं चुराती रहती थी ईद वाला, अभी वो काम आ रहा है, तैयार पड़ा हुआ है। ये मेरा बहुत हाथ जला रहा था, मतलब मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ था और इसकी ऑयल की चीज़ें जो हैं वो आ रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई, लेकिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको इस तरीके से करना है, यहाँ इसको मैंने रखा, उसके बाद इसको ढक देना है। इसमें क्या हुआ कि मेरी जी फ्रेंड की आ गई कॉल, ये आपको नजर आ रहा होगा ये इधर जला हुआ है, तो ये इसी वजह से हुआ कि मैं कॉल पे थी और मुझे जो है तो अंदाज़ा ही नहीं रहा इस चीज़ का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। तो ये देखें यहाँ से ये थोड़ा सा हो गया, लेकिन वैसे था बहुत टेस्टी। तो आज इसको मैं फिर बना रही हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो इसको इस बार मैंने नहीं जलाना, घर वाले कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें जले हुए मत खिलाओ। अच्छा, ये जो सोया सॉस चिली सॉस बच जाती है उसको वापस उस पर मैंने डाल दिया है। कोई मतलब ये कोई खास रेसिपी नहीं है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो मत बनाओ। तो ये इस तरीके से बन जाते हैं स्टेक, तो इसको मैं नहीं कहूँगी कोई वेजिटेबल, कोई ऐसा मैंने प्रोसेस नहीं किया, बस ये सिंपल आप इसको आराम से खा सकते हैं रायते के साथ। अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह सबकी जो कुर्बानी है वो कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो ये जो है बहुत मेरा फेवरेट है, मैं ज़रूर बनाती हूँ ईद पे भी और ईद के बगैर भी, तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसमें मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती क्योंकि सोया सॉस चिली सॉस ऑलरेडी मुझे लगता है उनमें सॉल्ट होता है, तो इसमें नहीं ऐड करती। अच्छा, तो अब आते हैं पेशावरी जिस्कों की तरफ। ये चर्बी जो है इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट के इस तरीके से इसको जो है रोस्ट किया जाता है, मतलब इससे ऑयल निकाला जाता है, और जब ऑयल इससे निकल जाता है तो ये बिल्कुल रोस्टेड इस फॉर्म में आती हैं, और इसको जो है तो बहुत हम शौक से खाते हैं, पेशावरी जिस्कें इसको कहते हैं, और इसके घी में चपली कबाब बनाए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है तो प्लीज़ जो डाइट पे है वो मत खाएं। मैंने बस ये एक जो अभी आपको दिखाने के लिए उठाया मैंने वो खाया है ना, कि इरादा था कि एक भी नहीं खाऊंगी। तो इंशाल्लाह आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।